लेटेस्ट खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें IFC नॉलेज यूट्यूब चैनल को और हर वीडियो भी तुरंत जानकारी के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए। दोस्तों, अगर आप सोने चांदी में निवेश करना चाहते हैं या फिर सोने और चांदी के गहने बनवाना चाहते हैं तो आपको हर रोज के सोना और चांदी के भाव की जानकारी होना बेहद जरूरी है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, इस वजह से सोने और चांदी के भाव में काफी कमी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम आपको आज के सोने और चांदी के भाव बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के समाप्त होते ही बाजारों में रौनक लौटने लगी है। जो लोग खरीदारी करने के लिए खुद को पिछले 15 दिनों से रोके हुए थे, उन्होंने बाजार का रुख कर लिया है। बाजार के रुख को देखते हुए सोने के दामों में भी गिरावट देखने को मिला। मंगलवार को स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की मांग घटने और वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 220 रुपये टूटकर 31,650 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। औद्योगिक इकाइयों तथा सिक्का निर्माताओं का उठाव कम होने के कारण चांदी की कीमत भी 50 रुपये की गिरावट के साथ 39,250 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। विदेशी बाजारों में कमजोरी के रुख के अनुरूप स्थानीय कारोबारी धारणा प्रभावित हुई। डॉलर के मजबूत होने से सुरक्षित निवेश के विकल्प के बदौर सर्राफा मांग कमजोर हो गई। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोमवार को सोना 1.39% गिरकर $1,187 प्रति ऑन्स रह गया। चांदी की कीमत भी 2.39% गिरकर $14.38 प्रति ऑन्स रह गई। इसके अलावा घरेलू हाजिर बाजार में स्थानीय आभूषण विक्रेताओं और फुटकर कारोबारियों की कमजोर मांग के कारण भी गिरावट बढ़ गई। सोने की ही तरह चांदी हाजिर 50 रुपये गिरकर 39,250 रुपये प्रति किलोग्राम और चांदी साप्ताहिक डिलीवरी की कीमत भी 120 रुपये टूटकर 38,735 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। दूसरी ओर चांदी सिक्कों की कीमत लेवाल 73,000 रुपये और बिकवाल 74,000 रुपये प्रति सैकड़ा पर स्थिर बनी रही। दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।